गाइस hey तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटो के चैनल में जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ के एपिसोड वन से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जैसे कि टेसर के मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है जैसे कि ने किया था वॉर के अंदर तो कैप्टन कार्टर टाइम ट्रेवल कैसे की इसके अलावा कैप्टन कार्टर का सूट कैप्टन अमेरिका से अलग क्यों है प्लस अगर ये वॉटिफ के शोज एम सी कैन है तो टीवी वाले आकर यहाँ पे किसी भी इवेंट्स को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकंड टाइम तो एक ही है एंड ये टेंटेकल वाला बीस्ट कौन है जिसको ज्यादातर लोग बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ये कोई और हो और जैसे पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं उनमें से तो एक डायरेक्टली इसको लव एंड थंडर से कनेक्ट करता है इन सारे सवालों के टाइम स्टैम्प आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो इनकेस अगर आप किसी पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं तो शुरुआत पहले टीवी वाले सवाल से ही करते हैं कि क्यों टीवी यहाँ किसी को भी अरेस्ट नहीं करती है एज इसका एक्सप्लेनेशन का कंटिन्यूएशन ही कैप्टन

हमें दिखाया जा रहा है, इनके फ्यूचर में कैंग कॉन्करर का कोई भी ऐसा वेरियंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा जो की उसको एंड ऑफ टाइम वाले कैसल में जाकर डी थ्रोन या उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बने इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता की इन अल्टरनेट रियालिटीज या टाइम लाइन में क्या होता है इनफैक्ट

पहुंचा एंड अब वो टीवीए चलाता है सो अब कैंग द कॉन्ग्रर इस बात का ख्याल रख रहा है कि कोई भी उसको चैलेंज करने वाला एग्जिस्टेंस में ना आए इन शॉर्ट व्हाट इफ का कोई भी रियलिटी में कैंग द कॉन्करर को चैलेंज करने वाला उसका कोई में नहीं आने वाला। कोई भी एक साथ कई सारे टाइमलाइंस एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था सो so, अब बारी आती है डायमेंशन की जो की इन अल्टरनेट रियालिटीज या कहें टाइमलाइन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जैसे की डार्क डायमेंशन या फिर क्वांटम

और भी कई सारे डायमेंशन होंगे जहां 70 साल इज इक्वल टू जल्दी -जल्दी हो। क्योंकि जिस जोश के साथ वो पोर्टल के अंदर गई थी उसी जोश के साथ वो बाहर भी आती है माना कि कैप्टन कार्टर एक सुपर सोल्जर है बट वो ह्यूमन के पीक फॉर्म को दर्शाती है मतलब कि उसकी भी एक लिमिटेशन है इन शॉर्ट उन्होंने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया बल्कि ऐसे डायमें

का ओरिजिन रेड स्कल से नहीं बल्कि हाइव से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको में मिल जाएगा। इसके अलावा से पोर्टल खुलेगा, उससे एक चीज रेड स्कल को कैसे मालूम पड़ा जो की हो सकता है की बुक से ही पता चला होगा जैसे स्टार को यहां पे पता चला, जिसके वजह से वो इतना टट पर था की रेड स्कल को रोका जाए इसीलिए वो कैप्टन कार्टर को सूट एंड शील्ड दिया इस बुक के कैप्शन को अगर आप ट्रांसलेट

वाला ओडी नहीं था इसीलिए तो वो में भी आप देख सकते हैं कि एक पोर्टल का सर्कल बना हुआ है और उससे निकल रहे इस चीज को दर्शाते हैं कि उसके अंदर कोई बीस्ट है प्लस से कहीं भी पोर्टल खोलने के लिए वहां का लोकेशन फीड करना होता है जो कि यूजर की यूजर के दिमाग से लिया जाता है लेकिन रेड स्कल ने इसको मशीन से खोला तो जो लास्ट लोकेशन था वही खुला जिसमें ये टेंटेकल वाला मॉन्स्टर था सेम चीज फ्यूचर में भी हुआ जहाँ पे शीट वाले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मशीन के जरिए तो जब पोर्टल खुला तो वही टाइम

टीवर्स में उसको वीक ना दिखाया जा रहा हो जिस कैसल में उसको निकालने की बात हो रही थी उसका नाम था कैसे क्रैके जो कि क्रैकन की ओर इशारा कर रहा है एंड क्रैकन ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करता है जिसमें ग्रीक गॉड्स आते हैं जैसे कि जुइस एंड थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला है तो मे बी उधर से कुछ कनेक्शन बन सकता है वेल well, उस क्रिएचर के ऊपर फिर कभी बात होगी क्योंकि आई एम श्योर sure उसको हम फिर से देखने वाले हैं एंड शायद तक वो वॉट सीरीज का Thanos, या फिर थे बिग बैड हो तो अब आते हैं कैप्टन कार्टर के कॉस्ट्यूम के ऊपर कि वो कैप्टन ब्रिटेन के जैसा क्यों है ऊपर से सोने पे सुहागा करने के लिए उन्होंने जब स्वॉर्ड उठा

Thank you for watching this video. Stay tuned.